एंड गिवन नंबर्स, ठीक है, जो भी हमें गिवन नंबर्स होते हैं उनसे एक छोटा नंबर आता है तो वो हमारा होता है HCF, दैट यू नो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फाइंड द HCF ऑफ, राइट डाउन क्वेश्चन ऑल्सो यू विल फाइंड आउट, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन करने आपको आते हैं. HCF ऑफ 16 एंड 24, लेट अस फाइंड HCF ऑफ 16 एंड 24. नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, यू नो हाउ टू डू, स्टार्ट डूइंग. वी हैव टू फाइंड हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 24. वेरी गुड, स्टार्ट डूइंग. एवरीबडी नोज 16, वी फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन. डू इट योर सेल्फ एंड चेक फ्रॉम द बोर्ड वेदर यू आर डूइंग करेक्ट और नॉट. डू बाय योर ओन सिंसियरिटी विदाउट सीइंग फ्रॉम हियर एंड देयर. नॉर्मल क्वेश्चन है ये HCF का, 16 एंड 24 का HCF. यस आई कैन सी हैंड्स, यस यू नो 16 के फैक्टर्स हैं आपके पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड 24 के फैक्टर्स हैं आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. मैंने चिल्ड्रन मस्ट हैव फाउंड, मैंने छोट, यस अर्जुना सेक्शन, यस नाइस टू सी यू अर्जुना सेक्शन, यस यस यस, हैंड्स डाउन हैंड्स डाउन, वेरी गुड वेरी गुड. आई जस्ट स्टार्टेड दिस क्वेश्चन बेटा, आई जस्ट स्टार्टेड, कुछ हमने खास नहीं किया. आई स्टार्टेड विद अ नॉर्मल क्वेश्चन एक्चुअली हमने आज. ओके हैंड्स डाउन बेटे, आई कैन सी मेनी हैंड्स, आई नो यू हैव फाउंड द आंसर. वी आर स्टार्टिंग नॉर्मल क्वेश्चन टू फाइंड HCF ऑफ 16 एंड 24, जो सबको आता है, ठीक है. यहां से वी विल मूव टू द स्टेटमेंट क्वेश्चंस. मेजर प्रॉब्लम आपको आती है वर्ड प्रॉब्लम में, कि वर्ड प्रॉब्लम दी होती है कि इतनी चॉकलेट्स है, इतनी टॉफीज है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालनी है, बहुत सारी वो स्टेटमेंट में अंदर कितनी सारी चीजें दी होती है, उसमें कंफ्यूजन होती है कि अभी हम HCF निकालें या LCM निकालें, ठीक है. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंपल क्वेश्चन, सिंपल कैलकुलेशन, दैट यू नो कि अगर हमें दो नंबर दिए हुए हैं और अगर मैंने आपको बता दिया कि फाइंड HCF, तो आप इजिली उसको निकाल पाते हो. लेट मी कॉल द नेम्स, ओके. अरोरा सेक्शन, फ्यू चिल्ड्रन रेजिंग द हैंड्स, फर्स्ट चाइल्ड फर्स्ट बेंच, यस जल्दी से बता दो व्हाट इज द HCF ऑफ 16 एंड 15. मैम 2 इज द एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24. रिपीट वंस मोर, व्हाट डिड यू से? 8 एट इज द एचसीएफ. इज HCF, यस. यू स्पोक समथिंग एल्स, पहले आपने कुछ और बोला था ना. 8 इज HCF ऑफ दीज टू. अगर आप ध्यान से नंबर्स को देखो, यू कैन सी गिवन नंबर्स हमारे पास थे 16 एंड 24, बट आंसर इज स्मॉलर देन 16 एंड 24. ओके अभी हमने जो 8 आंसर निकाला है उसके बारे में हम लिखेंगे क्वेश्चन, कि हमने क्या क्या 8 के बारे में ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन क्या क्या है हमारी, कि जब हम HCF निकालते हैं तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या आ रही है. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ रही है कि HCF 8 इज स्मॉलर देन 16 एंड 24, दोनों से छोटा है. सेकेंड थिंग इज, हमें ये पता चल गया कि जो HCF आता है वो हमेशा उसका जो आंसर होता है वो गिवन नंबर से स्मॉलर नंबर होता है. इट ऑलवेज हैपन्स लाइक दिस, कोई भी आप HCF का क्वेश्चन निकालोगे इट्स आंसर विल बी लेस देन गिवन नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल वी फाउंड हियर. नेक्स्ट वी कैन ऑब्जर्व दैट 8 कैन डिवाइड डिवाइड 16 एंड 24 कंप्लीटली. वॉट डू यू मीन बाय कंप्लीटली?
कंप्लीटली मीन्स नो रिमाइंडर, हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचता। जब हम डिवाइड करते हैं कंप्लीटली सबका सब वो डिवाइड हो जाता है, सबके सब उसके पार्ट्स हो जाते हैं, नो रिमाइंडर। व्हाई वी आर राइटिंग इट, ताकि आपको पहचान हो जाए कि हम जब स्टेटमेंट क्वेश्चंस करते हैं तो हमारे पास कैसी चीज आनी चाहिए। एक तो वो छोटा नंबर होना चाहिए गिवन नंबर से, दूसरा वो कंप्लीटली उनको डिवाइड करे, ठीक है। थर्ड थिंग इज 16 एंड 24 आर कंप्लीटली डिवाइडेड बाय, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 8, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय जो बड़े नंबर्स हैं 16 एंड 24, वो 8 से पूरे के पूरे डिवाइड हो रहे हैं। आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन वी विल मेक अ क्वेश्चन योर सेल्फ, अपने आप हम इस एक स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाएंगे इसको देखते हुए। क्वेश्चन इज, इफ आई हैव 16 टॉफिस एंड 24 चॉकलेट्स, मेरे पास 16 टॉफीज हैं और 24 चॉकलेट्स हैं। यू नो टॉफीज आर डिफरेंट फ्रॉम चॉकलेट्स, ओके। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स, यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन। अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसका हम क्वेश्चन खुद बना रहे हैं। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स, हमने अभी फ्रेंड्स ढूंढने हैं कि कितने फ्रेंड्स हम लाएं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स, सो दैट 16 टॉफिस एंड 24 चॉकलेट्स कैन बी डिवाइडेड इक्वली अमंग देम। ये क्वेश्चन आपने खुद बनाया, सॉल्व कर, हैंड्स डाउन हैंड्स डाउन, आई नो हैंड्स डाउन, जो जो अभी हमने सॉल्व किया उसी का क्वेश्चन हमने बना लिया कि नॉर्मल क्वेश्चन के बदले में आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ऑल्सो एंड राइट डाउन ऑल्सो, हु आर राइटिंग वेरी सिंसियरली दे विल अंडरस्टैंड डीपली, आई नो, बिकॉज वो सोच के लिख रहे हैं, समझ के लिख रहे हैं। हैंड्स डाउन मैं अभी बुलाऊंगी स्टूडेंट्स को, आई विल कॉल माई सेल्फ, आई हैव नेम्स विद मी, I will call. Concentrate on the question. I have a packet of toffees, जिसमें 16 toffees हैं. I have another packet of chocolates, जिसमें 24 chocolates हैं. मेरे को ये सोचना है कि मेरे को कितने फ्रेंड्स को मैं अपनी पार्टी में बुलाऊं जिनको मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊं 16 toffees एंड 24 chocolates. तो एक चीज आपके माइंड में आती है, वन थिंग यू रिमेंबर, एवरीबडी कैन थिंक ऑफ दिस, कि मेरे को थोड़े कम फ्रेंड्स चाहिए। 16 अगर मेरे पास टॉफिस है तो मेरे को 16 से कम स्टूडेंट्स चाहिए, कम फ्रेंड्स चाहिए। 24 चॉकलेट्स है तो 24 से थोड़े कम चाहिए, 24 तो नहीं चाहिए, आई कॉन्ट डिस्ट्रीब्यूट कम। वेन यू आर थिंकिंग दैट मुझे कुछ कम चाहिए गिवन चीजों से, इट मीन्स आई हैव टू फाइंड फैक्टर, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। When we have to find something, students which are less than this, you know, factor का आंसर हमेशा छोटा आता है। I told you, this is smaller. Given number से छोटा है ना, smaller है 8.
तो हमारे हमें क्लू मिल गया कि जब हमें कुछ छोटा चाहिए नंबर तो उसके लिए हम दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे। एंड इफ आई गिव यू दिस क्वेश्चन आई होप यू कैन फाइंड वेरी इजिली कि दोनों का एचसीएफ निकालोगे और 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 8 आंसर मुझे क्या बताएगा? अर्जुन सेक्शन, आई कैन सी हैंड्स, अक्षित गर्ग, अर्जुना सेक्शन, यस प्लीज आ जाओ बेटा। टेल मी द फाइनल स्टेटमेंट, कि मुझे स्टेटमेंट क्या पता चले इससे जो हमने स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाया था। वेरी गुड। मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। व्हाट शुड आई राइट द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन? जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कि 8 आएगा, अभी अभी हमने निकाला था। व्हाट शुड आई राइट द फाइनल स्टेटमेंट? फाइनल स्टेटमेंट फॉर्म में क्या लिखूं मैं आंसर को यहां पे, अगर मेरा ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है तो? आई नो कि इसका आंसर 8 है, बट दिस इज स्टेटमेंट क्वेश्चन, आई हैव टू राइट आंसर इन स्टेटमेंट फॉर्म। ओके गो बैक, सेंड दैट बॉय, लास्ट बॉय हु इज सिटिंग, सिंगल बॉय, या प्लीज आ जाओ बेटा। यस यस बेटे आप बैठो, जस्ट लिसन टू इट कि हाउ टू राइट द फाइनल स्टेटमेंट। मैम डेट द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स डेट विल गेट टॉफीज एंड चॉकलेट बोथ आर 8। यस वेरी गुड वेरी गुड। बैठो, कोई और कुछ चेंज करके बताना चाहते हैं? मैम यस हाँ मैम डेट द 8 स्टूडेंट्स विल गेट 2 टॉफी एंड 3 चॉकलेट्स। वेरी गुड वेरी गुड, वो भी आपने कैलकुलेट कर लिया। सो प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, वेरी गुड। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट है तो उसको हमने कैसे सोचना है कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। हमें क्लू मिल रहा है स्टेटमेंट से, हमें क्लू मिल रहा है कि वी वॉन्ट अ स्मॉलर नंबर ऑफ फ्रेंड्स, 16 फ्रेंड्स नहीं बुलाने, 24 फ्रेंड्स नहीं बुला सकते, थोड़े कम फ्रेंड्स चाहिए, तो इसलिए हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। दैट इज फाइन। ओके ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एलसीएम निकालना सबको आता है ना? एक एलसीएम का क्वेश्चन करते हैं, फाइंड एलसीएम ऑफ, सेकंड क्वेश्चन यू आल्सो राइट डाउन, फाइंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स है हमारे पास 8 एंड 18, 8 एंड 18। नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन सबको करना आता है, दिस इज नॉट स्टेटमेंट क्वेश्चन। एलसीएम यू हैव लर्नड ऑलरेडी, डू इट केयरफुली, वेरी गुड, ऑल द चिल्ड्रन आर डूइंग देमसेल्व्स, एबल सेक्शन, डोंट लुक हियर एंड देयर, बच्चे प्लीज डू इट, नॉर्मल कैलकुलेशन यू नो, फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच दैट बॉय, हैंड्स डाउन, 1 मिनट, लेट एवरीबडी डू, लेट एवरीबडी डू, क्योंकि सबका आंसर ठीक आना चाहिए। वेरी गुड, आई कैन सी मेनी हैंड्स, थोड़ा सा चेक कर लो, जो फटाफट से हैंड हैंड रेस करें एक बार चेक कर लो, आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड, आई कैन सी, वेरी गुड, लेट एवरीबडी डू, पेन अपना रुकना नहीं चाहिए आपका। ओके 8 एंड 18, एवरीबडी नोज यू टेक एलसीएम लाइक दिस। अर्जुना सेक्शन, फर्स्ट गर्ल, फर्स्ट गर्ल, यस मेमेस व्हाट इज एलसीएम, किस मेमेस में 72। किस का 72 आ रहा है? रेज योर हैंड, वेरी गुड, एवरीबडी नोज, ठीक है। आपको स्मॉल सिंपल क्वेश्चन करना आपको आता है कि हाउ टू गो, जब आपको बोला गया है कि एलसीएम निकालो तो भी आता है, और जब बोला गया कि एलसीएफ निकालो तब भी आपको आता है, यू नो एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू 72, एवरीबडी नोज। अब आपको केयरफुली इसको ऑब्जर्व करो, आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है यहाँ पे कि 72 इज बिगर देन, 72 इज बिगर देन 8 एंड 18, यू कैन सी वेरी क्लियरली, जो हमारे पास गिवन नंबर से आंसर उससे बड़ा आया है। एचसीएफ के क्वेश्चन में छोटा आया था, नाउ इट इज अ बिगर आंसर। सेकेंड थिंग, 72 इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 8 एंड 18, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय
एट के टेबल में भी 72 आता है, और 18 ऑल्सो कैन डिवाइड 72 वेरी इजिली. हाउ? 72 डिवाइडेड बाय 8 इज 9, एंड 72 डिवाइडेड बाय 18 व्हेन यू डू इट इन लोएस्ट फॉर्म व्हाट विल कम? ट्राई इट. आई कैन सी मेनी हैंड्स. 4. इज इट ऑल राइट? यू हैव कम टू नो कि हमारे पास जो एलसीएम आंसर आया था वो कंप्लीटली डिविजिबल है. पिछले क्वेश्चन में वो डिवाइडेड बाय 8 थे, अभी दिस इज डिवाइड कर रहे थे, 8 उनको डिवाइड कर रहा था. यहाँ पे 8 एंड 18 आर जो है वो फिर से किसको डिवाइड कर रहे हैं? एलसीएम को डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, आपको ये क्लू मिल गया. नाउ लेट अस राइट अ क्वेश्चन अबाउट एलसीएम. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखेंगे. राइट डाउन. इफ देयर आर 8 गर्ल्स एंड 18 बॉयज, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग देम. जो क्वेश्चन आपने बना लिखा था, सॉल्व किया था, उसके बारे में वी हैव मेड अ क्वेश्चन कि 8 बॉयज है, 18 गर्ल्स है, 8 गर्ल्स है और 18 बॉयज है हमारे पास. वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ बुक्स जो हमारे इक्वली आ जाए इसमें. यू कैन गेस वेरी वेल. अगर आप ऊपर वाला सॉल्यूशन नहीं देखो, ओनली स्टेटमेंट को रीड करोगे, यू कैन गेस वेरी वेल कि हमें जो नंबर ऑफ बुक्स चाहिए होंगी वो 8 से ज्यादा चाहिए होंगी और 18 से भी ज्यादा चाहिए हुई होंगी, तभी तो हम उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. यस, आई कैन सी हैंड्स. अर्जुना सेक्शन, दैट लास्ट बॉय हू सिटिंग नियर द वॉल. यस, टेल मी इन योर ओन वर्ड्स. हियर ओनली, फर्स्ट बेंच बचे, फर्स्ट बेंच. यस कम. यस यस, टेल मी गुड नेम. मैम आरुष गर्ग. यस बेटा, ओके प्लीज टेल मी. यू रेज योर हैंड ना, व्हाट डू यू मैम वांट टू यस टेल मी? यस बताओ. मैम दैट 72 मैम. बट सेवन. मैम पर यस मुझे एक डाउट है हाँ, मैम. अगर हम सब में एक एक ही बुक बांटे मैम, तो अगर हम इनको प्लस करेंगे तो आंसर 26 आ रहा है. इसीलिए अगर हम 26 बुक्स भी ऑर्डर करेंगे तो भी सब में इक्वली तो बट जाएंगी, कोई सबको एक बात एक मिल नहीं, जाएंगी. कोई बात नहीं. हमने तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमने तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, ओरल तो करना नहीं. ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे वेज होते हैं, इज इट? ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, यू विल सॉल्व इट इन सम वे ना. कोई तो फॉर्मूला लगाओगे, उसको सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे, फिर बताओगे, इज इट? तो दैट वे यू हैव टू फाइंड एलसीएम. बिकॉज हमें गेस हो रहा है कि हमें ज्यादा बुक्स चाहिए जो हम उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए. ठीक है, सिट डाउन. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, आई एम जस्ट गिविंग यू क्लू ऑफ दैट कि किस क्वेश्चन में एलसीएम निकालोगे, किस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालोगे. ओके, नाउ कम टू, आई वॉन्ट टू शो यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड. सी हियर, अब आपने ये जो क्वेश्चंस मैं दिखा रही हूँ आपको, जस्ट रीड द स्टेटमेंट एंड सी वेदर यू हैव टू फाइंड एलसीएम और एचसीएफ. सिर्फ आपको ये देखना है, गेस करना है आपको. फाइन, द रिजल्ट इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन सी वेरी क्लियरली.
जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ द रिजल्टेंट नंबर इज एक्सपेक्टेड टू बी ग्रेटर देन द गिवन नंबर देन वी नीड एलसीएम। अभी अभी हमने किया कि जब हमें ये गेस हो जाए कि हमें थोड़ा बड़ा नंबर चाहिए तो हम एलसीएम निकालते हैं। दिस इज अ रूल, ठीक है, ये आपका रूल है जो आपने, कलर क्यों नहीं आ रहा है इसका, दिस इज अ रूल फर्स्ट वाला, दिस इज अ रूल। ओके, कम टू द क्वेश्चन नाउ। थ्री बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, ठीक है, थ्री बॉयज आर स्टार्टिंग टुगेदर, स्टेप्स मेजर 63, देयर स्टेप्स मेजर, रीड द क्वेश्चन, लिखना नहीं है इसको, नो नीड टू नोट डाउन, हमारे क्वेश्चंस अभी और मॉड्यूल में भी हैं ऐसे। देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। स्टेप्स थोड़े से छोटे बड़े होते हैं ना, वेन यू वॉक टुगेदर, किसी बच्चे का थोड़ा बड़ा स्टेप होता है, किसी का थोड़ा छोटा स्टेप होता है अकॉर्डिंग टू योर वॉकिंग, है ना। तो एट व्हाट डिस्टेंस विल दे मीट टुगेदर, अगेन मीट टुगेदर, दे आर वॉकिंग टुगेदर एंड वी नो 63 सेंटीमीटर जिसका है ही इज ऑल्सो वॉकिंग, जिसका 70 सेंटीमीटर है ही इज ऑल्सो वॉकिंग एंड जिसका 73 है ही इज ऑल्सो वॉकिंग। यू कैन सी वेरी क्लियरली स्टेप सबके अलग अलग है। ओके, सो दे विल मीट, ये आपके एनसीईआरटी में भी है सेम क्वेश्चन, इज इट, क्या हुआ आपने, दिस इज 77, ओके, डू यू रिमेम्बर, इट इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी, क्या होगा आपने, एनीबडी नोस, चलो ओके कोई बात नहीं, जाके देखना, दिस इज 77 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस विल दे मीट टुगेदर अगेन, उनको ना वापस अभी मिलना है आगे जाके, एवरीबडी इज वॉकिंग, दे आर गोइंग अहेड, गोइंग अहेड, इट मीन्स दैट बिगर डिस्टेंस विल कम, बिगर नंबर विल कम, 60 से भी बड़ा आएगा, सॉरी 63 से भी बड़ा आएगा, 70 से भी बड़ा आएगा, 77 से भी बड़ा आएगा, व्हाट डू यू गेस फ्रॉम हियर, एलसीएम और एचसीएफ, अरोरा सेक्शन सेकेंड बेंच बॉय, यस सेकेंड बेंच, यस, आपने हाथ खड़ा किया था पहले, जल्दी से बता दो बेटा, एलसीएम, एलसीएम, वेरी गुड, हियर दे विल मीट एट अ डिस्टेंस विच विल बी ग्रेटर देन ऑल द स्टेप्स, आपको क्लू मिल गया, ग्रेटर देन आएगा तो इसलिए हमने एलसीएम निकाला, ठीक है, रीड वन मोर क्वेश्चन, इफ द रिजल्टेंट नंबर इज एक्सपेक्टेड टू बी लेस देन, ओके लेस देन आ रहा है आपका, इफ द रिजल्टेंट नंबर इज एक्सपेक्टेड टू बी लेस देन द गिवन नंबर, अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था, देन यू हैव टू फाइंड आउट हियर, फॉर एग्जाम्पल अनन्या हैज 32 मैरून बॉल्स, 24 व्हाइट बैलून्स एंड 16 ऑरेंज बैलून्स, अनन्या मस्ट बी सिटिंग हियर ऑल्सो, आई नो आउट ऑफ यू, व्हाट इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट शी कैन मेक इफ एवरी बैलून इज यूज्ड, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, बर्थडे पार्टी पे आप अरेंज करते हो बैलून्स को, टेबल सेक्शन, आई कैन सी योर हैंड, थर्ड बेंच, यस यस दैट गर्ल, व्हाट डू यू गेस फ्रॉम हियर, एचसीएफ, एचसीएफ, आपको गेस हो गया कि यू वांट अ स्मॉलर नंबर, आई कैन सी मेनी हैंड्स, इट मींस यू हैव अंडरस्टूड, आपको छोटा नंबर चाहिए तो आप इन तीनों का एचसीएफ निकालोगे एंड यू विल गेट द आंसर, वेरी गुड, हियर द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी स्मॉलर, आपको पता चल रहा है कि अरेंजमेंट हो सकते हैं हमारे कोई 9 बने, हो सकता है 10 बने, 11 बने, वॉट एवर, जो भी आंसर आएगा इन तीनों का एचसीएफ हमारा निकल जाएगा और दैट विल बी आवर आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू गेटिंग यू नो क्लू आफ्टर रीडिंग, अभी पता चल रहा है आपको कि एचसीएफ कब निकालना है और एलसीएम कब निकालना है, यस रेज योर हैंड, रेज योर हैंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड, अभी हम असाइनमेंट के क्वेश्चन भी करेंगे, देन आई विल हियर फ्रॉम यू ओनली, एक बार ये क्वेश्चन देख लो, फाइंड वेदर एलसीएम और एचसीएफ एंड फाइंड द आंसर, करना नहीं है, जस्ट टेल मी एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना, सोहन इज मेकिंग बॉक्सेस फॉर कोविड-19 रिलीफ कैंप्स, ही हैज 403 बॉटल्स ऑफ वाटर, ओके रीड द क्वेश्चन केयरफुली, बॉटल वाटर 403 वाटर बॉटल्स है, 434 फूड पैकेट्स है विच इज टू बी डिलीवर्ड एंड 465 मेडिसिन पैकेट्स है, ही वॉन्ट्स टू ही वुड लाइक टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग बॉक्सेस, बॉक्सेस बनाने हैं उसने, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है विद नथिंग लेफ्ट ओवर,
इक्वल पार्ट्स बनना चाहिए क्या? सी मैनी हैंड्स, यस। इज इट एच सी एफ? रेज योर हैंड। इज इट एच सी एफ? यस, एवरीबडी अग्रीज। क्योंकि हमें बॉक्सेस कम चाहिए, बॉक्सेस के अंदर जो मेडिसिन आएंगी या फिर वाटर बॉटल आएंगी उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। वेरी गुड, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन, वेरी गुड। आपको एच सी एफ निकालना है। ओके, ये थोड़ा सा हायर ऑर्डर का है, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट करवाती हूँ आपको। रीड दिस क्वेश्चन। अन्ना एंड मेरी बोथ हैड अ डांस क्लास लेसन टुडे। डांस के लिए स्टूडेंट्स डांस सीखने के लिए जाते हैं। अन्ना हैज अ डांस लेसन एवरी 8 डेज, ठीक है? हर एक 8 डे पे उसका एक अपने एक क्लास होती है। एंड मैरी हैज अ डांस क्लास एवरी 12 डेज, उसका एवरी 12 डे में होती है। पहले से ही हाथ खड़े हो गए। यू हैव रेड द क्वेश्चन, आई नो। हाउ मेनी डेज विल इट बी अंटिल बोथ हैव अ डांस क्लास टुगेदर? दे हैव टू मीट टुगेदर आफ्टर फ्यू डेज। इज इट एलसीएम? रेज योर हैंड। इज इट एलसीएम विदाउट एनी डाउट? वेरी गुड, वेरी गुड, यू नो इट हैंड्स डाउन, वेरी गुड, वेरी गुड। यू नो कि वन इज कमिंग आफ्टर 8th डे, वन इज कमिंग आफ्टर 12 डेज, तो दे विल मीट टूगेदर आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर मेनी डेज दे विल मीट टूगेदर, विच विल बी बिगर देन 8, बिगर देन 12, सो वी हैव टू फाइंड एलसीएम। ओके, यू हैव कम टू नो, आई थिंक वी कैन स्टार्ट मॉड्यूल नाउ। मॉड्यूल की क्वेश्चंस करते हैं। ओके, व्हेन यू विल राइट समथिंग यू विल नो बेटर। टेक आउट योर मॉड्यूल्स। व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस टू गेट करेक्ट आंसर? फर्स्ट क्वेश्चन, मॉड्यूल शुड बी देयर विद यू बेटा, वी विल ट्राई टू फिनिश दिस मॉड्यूल टुडे। और इसमें से जो टफ क्वेश्चंस होंगे वही आई विल फोकस, अदरवाइज इजी यू नो हाउ टू डू। फर्स्ट इज, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू जस्ट टेल की एच सी एफ या फिर एल सी एम, सॉल्व नहीं करना, राइट? इफ यू वॉन्ट टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड गिवन नंबर्स, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, लेट मी कॉल द नेम, अरोरा सेक्शन, नमन पाल कौर, फर्स्ट का आंसर क्या होगा बेटा? यस मैम। व्हाट विल बी द आंसर, एलसीएम या फिर एचसीएफ? इट्स आंसर विल बी मैम एक्सिया। एचसीएफ, बस आपको ये बताना है कि एचसीएफ या एलसीएम, सॉल्व नहीं करना बिकॉज नंबर्स आर नॉट गिवन टू यू। यू गेस्ट इट, दिस इज एचसीएफ बिकॉज आपको बोला गया विल डिवाइड, ठीक है? एक आपको क्लू मिल रहा है कि विल डिवाइड जो वर्ड है ना, ये आपको वर्ड बता रहा है कि आपके पास एच सी एफ आएगा। यू कैन अंडरलाइन विल डिवाइड वाले वर्ड को, विच इज गिविंग यू क्लू कि आपको एच सी एफ निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड लीस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय गिवन नंबर्स, लेट मी गिव चांस टू अदर चिल्ड्रन ऑल्सो। टेबल सेक्शन, जेस्मिन कौर, यस बेटा आ जाओ। क्लू क्या मिल रहा है आपको, एलसीएम या फिर एचसीएफ? ये Thank you. रिपीट अगेन, दोबारा, आई कांट हियर यू बेटा, दोबारा बोलो। हु आर सेइंग एलसीएम? रेज योर हैंड। हु आर श्योर? वेरी गुड, एलसीएम, दैट यू नो बिकॉज इट इज डिवाइडेड बाय, यू कैन अंडरलाइन डिवाइडेड बाय इन द सेंटेंस, जिससे आपको पता चल रहा है कि आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है? आपको कोई डाउट नहीं रहेगा बिल्कुल भी, क्योंकि तो क्वेश्चन में पूछा गया था डिवाइडेड बाय, कुछ ऐसा नंबर होना चाहिए वो डिवाइडेड बाय गिवन नंबर्स हो, गिवन नंबर्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है? तो आपको एक बड़ा नंबर निकालना है विच विल बी डिवाइडेड बाय गिवन नंबर्स। इफ यू वॉन्ट टू डिवाइड गिवन थिंग्स इक्वली अमंग सम पर्सन्स, ये तो बहुत बार कर लिया आपने, टॉफीज चॉकलेट्स वाला आपको याद है। इज इट एच सी एफ? रेज योर हैंड। हु आर सेइंग एच सी एफ?
Yes, very good. Able section, I want to see your hands. Able section, yes. Who are saying HCF of third question? कुछ चीजें हैं हमारे पास, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने फ्रेंड्स के बीच में. यस, दिस इज HCF. थर्ड क्वेश्चन इज HCF. राइट डाउन आंसर, HCF. फोर्थ क्वेश्चन, इफ यू वांट टू फाइंड लीस्ट नंबर व्हिच लीव सम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय गिवन नंबर्स. लीव सम रिमाइंडर हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर फोकसिंग ऑन डिवाइडेड बाय, दैट इज टेलिंग अस. अरोरा सेक्शन, दैट फर्स्ट वेंट गर्ल ओके आई कांट सी योर फेस, यू आर सिटिंग नियर द विंडो, दिस विंडो साइड फर्स्ट बेंच. हु इज रेजिंग अ हैंड? यस आजो बेटा. फोर्थ इट शुड बी एलसीएम. हाँ यस, विदाउट एनी डाउट. रिमाइंडर हो या ना हो इट्स ओके. वी वॉन्ट अ बिगर नंबर, वी वॉन्ट अ नंबर डिवाइडेड बाय गिवन नंबर्स. फिफ्थ क्वेश्चन, इफ यू वॉन्ट टू अरेंज समथिंग इन टू रोज, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास ए सेक्शन के बी सेक्शन के, उनको हमने रोज भी खड़ा करना है कोई असेंबली के लिए या फिर कुछ फंक्शन के लिए ग्राउंड में, कुछ उनकी रोज बनानी है. अगर मान लो 30 स्टूडेंट्स है एक क्लास में, उनको रोज भी खड़ा करेंगे तो 30 रोज तो नहीं बनाएंगे ना. वी वॉन्ट बी वी विल बी वॉन्टिंग लेसर रोज, नंबर ऑफ रोज, ताकि इक्वली सारे खड़े हो जाए. Will it be HCF? Raise your hand. Yes, it will be HCF. I hope you can do it now. अब आपको काफी पता चल गया, डिफरेंशिएशन हो गई है कि कैसे उसको करना है. ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा की वर्ड्स बताना चाहती हूँ. यू कैन मेक अ दिस की वर्ड्स फॉर एलसीएम एंड HCF. एक टेबल बना लो जरा. ठीक है, आपको की वर्ड से भी पता चल जाएगा कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है. अपनी नॉलेज के लिए लिख लो बेटा, दिस इज एलसीएम एंड दिस इज एचसीएफ. ओके, आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे वर्ड्स होते हैं स्टोरी सम्स में, उनको हमने कब निकालना है एलसीएम और कब निकालना है एचसीएफ. फर्स्ट इज, जब आपके पास कुछ रेपिटिशन हो रहा है, कुछ चीज रिपीट हो रही है आपकी, नंबर ऑफ स्टेप्स है या नंबर ऑफ बेल रिंग हो रही है, पहली बार रिंग हुई, सेकंड टाइम रिंग हुई, थर्ड टाइम रिंग हुई. ठीक है, तो हमारी रेपिटिशन हो रही है उसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं. हैपन एट द सेम टाइम, कोई इंसिडेंट है एट द सेम टाइम, टुगेदर, जैसे हमने बोला कि दे बोथ गो फॉर डांस क्लास टुगेदर, तो फिर वो दोबारा कब मिलेंगे. इससे आपको क्लू मिल गया कि आपने एलसीएम निकालना है. ठीक है, और इसमें आपको क्लू मिलेगा एलसीएफ में फर्स्ट, कि आपको ग्रुपिंग थिंग्स करनी है, कोई आपको चीजें दी हुई है उनकी ग्रुपिंग करनी है. ग्रुपिंग, ग्रुपिंग मतलब जैसे आपने कोविड-19 के आपने देखे कि हमने बॉटल्स भी देना है उनको, फूड पैकेट भी देना है और मेडिसिन भी देनी है, तो छोटे 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 पैकेट्स बनाने पड़ेंगे, हमने स्प्लिट करना है, ग्रुपिज्म करनी है चीजों की, तो उसके लिए हम एचसीएफ निकालेंगे. ठीक है, ग्रुपिंग थिंग्स और स्प्लिटिंग थिंग्स कुछ भी हो सकता है, स्प्लिटिंग भी हो सकता है. सेकेंड इज डिवाइडिंग और शेयरिंग, डिवाइडिंग और शेयरिंग इक्वली, इक्वली जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि टॉफीज और चॉकलेट्स है, तो मैं इक्वली फ्रेंड्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं एचसीएफ निकाल दूंगी. ठीक है, थोड़ा सा आपको क्लू मिलता रहेगा इनके पास कि हमने इसमें क्या क्या निकालना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. इसके बाद हम एसोशियलिज्म करते हैं. एलसीएम एचसीएफ का आपको क्लू मिल गया. यू हैव डन मेनी क्वेश्चंस. हमने यहाँ पे आई टोल्ड यू आंसर फॉर अप टू फिफ्थ क्वेश्चन, तो सिक्स सेवन्थ एंड एट इसके भी मैं आंसर लिख देती हूँ. अब आपको पता है, यू नो इट. ओके, सिक्स इज एलसीएम आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली. यू कैन रीड इट केयरफुली, यू कैन रिवाइज एट होम ऑल्सो. ठीक है, आई एम गिविंग यू क्लू ऑफ देम. एंड सेवन्थ ऑल्सो एलसीएम, स्टेटमेंट
स्टेटमेंट पढ़ के आपको क्लू मिल रहा है, एंड लास्ट वन इज एचसीएल। यू कैन राइट आंसर इन मॉड्यूल, ठीक है, जब आप रिवाइज करोगे, क्योंकि अप टू 5 आपने ही आंसर बताए हैं, यू टोल्ड मी कॉन्फिडेंटली। आई नो आपको समझ आ चुका है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम मॉड्यूल में करेंगे असर्शन रीजन। असर्शन रीजन फर्स्ट क्वेश्चन, असर्शन इज लास्ट 4 टू डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 12। लास्ट 4, फोर फोर नंबर्स आपने बताने हैं। असर्शन रीजन, वी आर टॉकिंग अबाउट असर्शन रीजन क्वेश्चंस। फर्स्ट इज 4 डिजिट्स आपने बताने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। लास्ट 4 2 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 12। 12 का टेबल सबको आता होगा, यू नो 12th टेबल, रेज योर हैंड, यू मस्ट बी नोइंग। वेरी गुड, हैंड्स डाउन। हमने 2 डिजिट 12 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो यहाँ पे वो दे आर सेइंग कि इट इज 48, आंसर में लिखा हुआ है 48, 60, 72 एंड एक और लिखा हुआ है हमारा 84। क्या ये लास्ट है 2 डिजिट नंबर? इसके बाद 2 डिजिट नंबर कोई नहीं आता 12 के टेबल में? अर्जुन सेक्शन लास्ट बॉय, यस आज बेटा, यस, इज इट ट्रू और फॉल्स? मैम 96 भी तो आता है। यस 96 भी होता है, यू नो इट, 96 भी होता है, जिनको 12 का टेबल आता है उनको पता होगा, तो मैम यस, फिर दिस शुड बी फॉल्स और ट्रू? मैम फॉल्स। फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि हमारे लास्ट कौन से होंगे, 4, 1, 2, 3 एंड 4, नॉट 48, सो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। ओके, क्योंकि हमें बैकवर्ड काउंट करना है ना 12 के टेबल में, हमें 2 डिजिट नंबर पीछे से देखने हैं, लास्ट 4 उन्होंने बोला है, पीछे से हमारे जो टेबल होता है, नॉट 12 वन्स या 12 टूज है, वो नहीं, फ्रॉम द बैक साइड, 12 नाइन्स आ 8 आ एंड सो ऑन। ओके, सो रीजन, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट, फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं, काउंटेबल होते हैं। यस, रेज योर हैंड, वो आर सेइंग यस, फैक्टर्स आर फाइनाइट, यस इट इज ट्रू, रीजन इज ट्रू। 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 6, फाइनाइट होते हैं। 6 इज द लास्ट फैक्टर ऑफ 6, इसके बाद कोई नहीं होता। ओके, सो दे आर फाइनाइट, किसी के भी फैक्टर लिखोगे इट हैज फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स, सो दिस इज ट्रू, सो आर ऑप्शन विल बी डी। एनी डाउट यू कैन आस्क मी, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सेकेंड क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ असर्शन, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज 36, 12 एंड 18 इज इक्वल टू 36, आई डोंट नो, फटाफट चेक कर लो, हु आर सेइंग ट्रू, रेज योर हैंड। ओके, जिनके हाथ खड़े हैं दे हैव कैलकुलेटेड, हैव यू डन इट? ओके फाइन, दिस इज ट्रू, यस, रीजन द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द लोएस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स, यस यू नो द डेफिनेशन, ठीक है, एलसीएम की डेफिनेशन है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, सो ऑप्शन विल बी ए, बोथ आर ट्रू, बोथ आर मैम रिलेटेड। यस बेटा, आई डोंट अंडरस्टैंड रीजन ऑफ सेकंड। रीजन ऑफ सेकेंड, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, प्लीज सिट डाउन, आई एम एक्सप्लेनिंग वंस मोर,
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द लोएस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स. सी 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 12, 12 का टेबल बोलोगे ना? ऑनरेबल सेक्शन प्लीज डोंट डिस्टर्ब. 12, 24, 36 एंड सो ऑन. 36 के क्या होंगे? यू विल स्टार्ट फ्रॉम 36. पहला 36 होगा एंड यू कैन सी वेरी क्लियरली 36 इज कॉमन अमंग देम. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज द ली दिस इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 36. अगर आप टेबल फॉर्म से करो तो भी, और अगर आप ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन करोगे तब भी आपको पता चलेगा कि 36 इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है. नाउ इन स्टेटमेंट दे आर सेइंग द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द लोएस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स. लोएस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल. 12 कॉमन नहीं है, 24 कॉमन नहीं है, 36 एक ऐसा सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो कि कॉमन है दोनों के बीच में. इज इट क्लियर नाउ? हु आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन? ओके, इज इट क्लियर टू यू नाउ? यस, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. बाय टेकिंग दिस एग्जाम्पल यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल. आपको पता चल रहा है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जब भी हम निकालते हैं दोनों का सबसे पहला वाला कॉमन, सबसे छोटा वाला कॉमन. ठीक है, सो दिस इज ए ऑप्शन. वेरी गुड. आई वॉन्ट टू आस्क यू नो आई एम हैप्पी टू हियर सच क्वेश्चन. खड़े होकर डाउट पूछा करो इमिडिएटली. एमसीक्यू फर्स्ट क्वेश्चन. थ्री बॉयज स्टेप ऑफ टूगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट. देयर स्टेप्स आर, अभी अभी हमने डिस्कस किया था पीपीटी में भी, 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर. वॉट इज द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड कवर? आपने सबने मेरे को बताया कि इसमें एलसीएम निकालना है. अर्जुन सेक्शन दैट बॉय हु स्टैंडिंग. यस, आ जाओ आगे. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीज थ्री? हैव यू फाउंड? यस, प्लीज टेल मी. सेल्सियम इज 6930 सेंटीमीटर. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, यू फाउंड इट. और किस किसने कैलकुलेट किया है ये एलसीएम इसका, इन तीनों का? रेज योर हैंड. ओके, दिस इज कंफर्म. ए इज द ऑप्शन. तीनों का एलसीएम निकालना है वो तो कंफर्म ही है. यू टोल्ड मी अर्लियर ऑल्सो कि दे विल मीट समवेयर एल्स आफ्टर फ्यू स्टेप्स. इट मीन्स ग्रेटर देन गिवन नंबर्स, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड मैम एलसीएम. दिस आई हैड ऑलरेडी फाउंड मैम व्हेन यू वाज शोइंग दैट एग्जांपल्स वेरी मैम. फ्रॉम दैट टाइम आई वेरी मेमोराइज गुड. दिस. ओके बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड. दैट्स व्हाई यू टोल्ड मी दिस आंसर. बट व्हाट आई फाउंड लेटर कि दिस इज मैचिंग टू योर एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑल्सो. बाई चांस इट इज इन योर बुक ऑल्सो, तो आपने ऑलरेडी किया भी होगा इसमें. फाइन. सेकेंड क्वेश्चन इज द लीस्ट नंबर विच वेन डिक्रीज बाय 9 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 16, 24 एंड 48. इवन सेक्शन थर्ड बेंच दैट गर्ल. यस, आ जाओ बेटा. व्हाट इज कमिंग? व्हाट आर यू टेलिंग बेटे? आंसर इज 48. इज शी राइट? रेज योर हैंड. क्या उसने ठीक बताया? ओके, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन. आई एलसीएम डिडंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. इज, ओके ओके, सिट डाउन, आई एम एक्सप्लेनिंग इट. क्योंकि उसका आंसर गलत है. जिसने मुझे आंसर बताया दैट आंसर इज रॉन्ग. लिसन टू मी केयरफुली हाउ व्हाई इट इज रॉन्ग. देयर इज लिटिल मिस्टेक. अर्जुना सेक्शन फर्स्ट गर्ल, यू वांट टू टेल मी बेटा? यस, कि व्हाई 48 इज रॉन्ग. मैम द आंसर इज 57 व्हाई? मैम. बिकॉज मैम इफ मैम द एलसीएम ऑफ ऑल इज 48 मैम. मैम देयर इज रिटन मैम इट लीव्स द
मैम इट इज डिक्रीज बाय 9 मैम, सो इफ वी विल प्लस 9, 48 प्लस 9 दैट वी विल गेट 57. यस, एलसीएम इज इक्वल टू 48। ये निकालना तो कोई मुश्किल नहीं है, सबको आता है, एवरीबडी नोज। लेकिन हमारी कंडीशन ये भी थी कि व्हेन डिक्रीज बाय 9, हाउ वी वांट सच अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय, व्हेन डिक्रीज बाय 9, डिक्रीज बाय 9 तब वो होना चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए डिक्रीज बाय 9। तो हमें 48 तो आंसर पता ही है, तो 48 प्लस 9 इज इक्वल टू 57 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें क्लियरली पता चल रहा है, आंसर हमें पता चल गया कि 48 है, बट हमें 9, हमें ऐसा नंबर चूज करना है जो 9 कम हो। मैम यस 9 इज रिटन विद द डिक्रीज, डिक्रीज्ड बाय 9 दैट यस यस, वी आर. तो 57 डिक्रीजेस बाय 9 गिव्स अस 48, है ओके मैम, मैम ना? मींस इन दिस क्वेश्चन फर्स्टली वी यस हैव टू फाइंड एलसीएम. यस यस, ओके मैम, प्लीज राइट द रीजन आल्सो, बिकॉज 57 - 9 इज इक्वल टू 48, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग इट, क्योंकि हमें पता है हमने 9 क्यों ऐड किया, इसमें कुछ और क्यों नहीं ऐड किया, 6 क्यों नहीं ऐड किया, 7 क्यों नहीं ऐड किया, बिकॉज दे हैव टोल्ड अस कि 9 ही कम होना चाहिए उससे, 9 लेस होना चाहिए, दैट्स व्हाई यू कैन राइट द रीजन हु हैव डाउट। बेटे आई एम गोइंग टू लीव इन 5 मिनट्स, द चिल्ड्रन हु आर रशिंग फॉर वाटर प्लीज सिट डाउन फॉर अनदर 5 मिनट्स, वी आर अबाउट टू फिनिश, ओके, आफ्टर दिस आई विल गिव यू ब्रेक फॉर 2 मिनट्स, डोंट वरी, ओके, द सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन, सच क्वेश्चन आर देयर ऑल्सो इन योर एनसीईआरटी, थोड़ी वर्डिंग चेंज होती है बट वैसे इट इज ऑल क्लियर, ओके। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई वॉन्ट टू लीव इट एट प्रेजेंट आई वॉन्ट टू लीव इट, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, और जिन बच्चों ने निकाल लिया है फ्यू आर रेजिंग देयर हैंड्स, Let me ask them how have done. Able section first child. Yes. ए ऑप्शन यू आर सेइंग, है ना? ए ऑप्शन किस किसने किया ये क्वेश्चन, रेज योर हैंड, ओके, गुड 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 गुड, वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर, आई एम गिविंग यू क्लू, यू कैन ऑल्सो ट्राई इट, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, यू नो इसमें सबसे पहले हमने एलसीएम निकालना है, फिर हमने माइनस करके छोटा नंबर निकालना है 10,000 से, और प्लस करके हमने उससे 10,000 से बड़ा नंबर निकालना है, दिस इज सिंपल, आई एम गिविंग यू क्लू थर्ड क्वेश्चन का, इफ यू विल ट्राई एट होम बिकॉज यू विल मीट मी नेक्स्ट वीक, थर्ड क्वेश्चन का ये ऑप्शन है, यू कैन ट्राई इट आउट। क्वेश्चन नंबर 4, द लीस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाय दीज ऑल लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस, सच क्वेश्चन यू हैव डन ऑल्सो, ठीक है, सी हैंड्स, लेट मी कॉल द नेम्स, अर्जुना सेक्शन, दिलशान कौर, यस बेटा, डिड यू नो दिस, मैम यस प्लीज टेल मी, मैम, फर्स्टली वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 5, सिक्स यस एंड सेवन. यस, प्लीज मैम वेट वेट प्लीज वेट, यू आर टेलिंग मी फोर्थ क्वेश्चन बेटा, द नंबर्स आर 3, 4, 5, 6, 10 एंड 12, है ना? ओके ठीक है, इनका आपने एलसीएम निकाला है, मैम, ओके मैम, हाँ, फर्स्टली वी विल फाइंड द एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3, 4, 5, 6 एंड 10 यस एंड 12 यस एंड देन व्हाट विल बी द आंसर, वी विल प्लस 2. यस, आई एम गिविंग यू क्लू, इसका एलसीएम आ रहा है 60, मैम यस देन वी विल प्लस 2 देन काफी आंसर बच्चों ने निकाल लिया होगा, है ना? तो वी हैव अ रिमाइंडर ऑफ 2, रिमाइंडर ऑफ 2 इट मींस वी विल ऐड इट, इट इज सेम एज दैट क्वेश्चन वो आर आस्किंग कि व्हाई वी हैव एडेड इट, जबकि रिमाइंडर बोल रहे हैं, तो व्हाई वी हैव डन इट, बिकॉज 62 - 2 इज इक्वल टू 60, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग इट, राइट द रीजन ऑल्सो,
अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन ओके, लेट मी रिपीट इट वंस मोर. दे आर सेइंग द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, फोकस ऑन डिवाइडेड बाय. एक वर्ड आपका जो डिवाइडेड बाय बता रहा है, इट इज गिविंग अस क्लू कि हमें एलसीएम निकालना है. दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर कि हमने एलसीएम क्यों निकाला इनका. सारे नंबर्स का, कितने सारे नंबर्स दिए हुए हैं सबका हमने एलसीएम निकाला. एलसीएम कई बच्चों ने निकाल भी लिया है एंड आई एम टेलिंग यू एलसीएम इसका 60 आ रहा है. ओके बेटा, दे आर सेइंग दे आर लीविंग रिमाइंडर टू. ओके, टू आपका रिमाइंडर आ रहा है तो ऑफकोर्स उसमें प्लस टू एक एक्स्ट्रा नंबर होना चाहिए ना उसमें, 60 + 2, दैट्स व्हाई 62 इज द आंसर. लिविंग रिमाइंडर टू इन ईच केस, टू 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 सब में बच रहा है. इज इट फाइन? दैट्स व्हाई. प्लीज ट्राई अदर क्वेश्चंस बेटा, वी विल डू नेक्स्ट टाइम. ओके, एंड यू कैन टेक ब्रेक फॉर 2 मिनट्स इफ यू वॉन्ट. 2 मिनट बेटा, जाना कहीं नहीं है, यही रहना है, बस हम 2 मिनट स्क्रीन ऑफ कर रहे हैं. छोटी सी शिक्षिका जो है. गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेरी नाइस वेरी नाइस. सो वी आर वेटिंग फॉर अर्जुना टू ज्वाइन. यस, दे हैव ज्वाइंड आल्सो. Students of Arjuna are advised to settle down quickly. Shabash, obedient students. Very nice, bachche. So,
बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वंस अगेन वी आर हेयर टू इम्प्रूव अवर नॉलेज बच्चे, एंड टुडे आवर टॉपिक विल बी इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल डू दिस असाइनमेंट। डू यू हैव दिस असाइनमेंट विद यू? यस यस, कीप इट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर नोटबुक्स एंड राइट डाउन दिस हेडिंग। ओपन योर नोटबुक्स एंड राइट डाउन दिस हेडिंग। सो व्हाट इज द डेट टुडे बेटे? एवरीबॉडी शुड नो। ऑलवेज मेंशन द डेट। हु इज डिलीवरिंग द लेक्चर? शाबाश। नोट डाउन दिस थिंग। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। बी रेडी। राइट डाउन द हेडिंग। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, मैनी थिंग्स वी विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स एंड अदरवाइज। लुक हियर बेटे, व्हाट दिस शोज? कैन एनीबॉडी टेल मी वेदर दिस बल्ब इज ग्लोइंग और नॉट? ग्लोइंग और नॉट ग्लोइंग? शाबाश। इज देयर एनी स्टूडेंट हु कैन टेल मी वेदर दिस बल्ब इज ग्लोइंग और नॉट? शाबाश। मेनी स्टूडेंट्स आर रेजिंग हैंड। I am interested to ask from Akshit Garg. Akshit Garg. Shabash bete. Sir, bulb is not glowing. Akshit, can you tell me why is it not glowing? Sir, because negative terminal of cell is not attached to bulb. Shabash. But in very good. But in technical words, we say this circuit is, Shavash, everybody write down, circuit is open here, open. जब भी कहीं भी ब्रेकेज आएगी तो करंट फ्लो नहीं कर पाता। करंट कहां से चलता है? हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलता है बैटरी के। दिस इज व्हाट सेल। और ऐसे बल्ब में से घूम के फिर नेगेटिव में आना चाहिए था, लेकिन यहां तो नहीं जा पाएगा क्योंकि सर्किट इज ओपन। लिसन दिस वर्ड, ओपन। तो देयरफॉर दिस बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। तो सभी बच्चे लिखेंगे, शाबाश, सभी बच्चे लिखेंगे इस पॉइंट। For the load, LOAD. सभी बच्चे लिखेंगे For the load to run. Load to run का क्या मतलब बेटे? अगर बल्ब है तो जलना चाहिए, अगर प्रेस है तो गर्म होनी चाहिए, अगर टेलीविजन है तो फोटो आनी चाहिए, ये मतलब होता है। For the load to run, शाबाश, the electric circuit. The electric circuit should be closed. Closed होना चाहिए, open नहीं होना चाहिए। अगर ये तार यहां से ऐसे जुड़ी होती तो करंट ऐसे आ गया होता
और ये बल्ब फिर ग्लो होने लगता। तो जब तार जुड़ी होती तो हम क्या वर्ड यूज करते बेटे? क्लोज्ड। ये आपका लर्निंग पॉइंट वन हो गया। ऐसे और भी बहुत सारे लर्निंग पॉइंट लिखेंगे। टीचर ने अभी आपको पहला लर्निंग पॉइंट लिखा, फॉर द लोड टू रन द इलेक्ट्रिक सर्किट शुड बी क्लोज्ड। ठीक है, एक एक लाइन और लिख दो इसमें। इन एन ओपन सर्किट, इन एन ओपन सर्किट करंट कैन नॉट फ्लो, करंट कैन नॉट फ्लो। और जब करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो लोड नहीं जलेगा, बल्ब नहीं ग्लो करेगा बेटे। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम आगे जाएंगे। पहली स्लाइड में हमने जो सीखना था सीख लिया। और एक चीज बताना चाहूंगा, बल्ब के अंदर जो चीज ये ग्लो करती है उसका नाम होता है फिलामेंट। फिलामेंट, ओके। लेट्स मूव फर्दर। ये देखो, हमारे पास तीन सर्किट दिखा रखे हैं बेटे, ए सर्किट, बी सर्किट और सी सर्किट। इन तीनों सर्किट्स में आप मेरे को बताओ क्लोज्ड सर्किट कौन सा है? विच वन इज द क्लोज्ड सर्किट? आई वॉन्ट इट्स आंसर टू बी गिवन बाय अमनदीप कौर। अमनदीप कौर, एनी स्टूडेंट? नो वन? ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट भवित गोयल। भवित गोयल, शाबाश। विच सर्किट इज क्लोज्ड? सर सी शाबाश। तो इस बच्चे ने बताया सी सर्किट क्लोज्ड है, ओनली सी। तो ये ओपन है, ये भी ओपन है। अब हमने इस सर्किट तो अभी अभी पढ़ के आए हैं क्योंकि वायर इससे जुड़ी नहीं हुई। ये क्यों ओपन है? देखो, बैटरी से वायर्स आ रही हैं, बल्ब तक जा रही हैं, बीच में क्या आ गया बेटे? एयर। एयर के थ्रू करंट फ्लो कर ही नहीं सकता, इसीलिए ये बल्ब ऑफ है, ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है बल्ब, ये भी ऑफ है। लेकिन ये बल्ब देखो, इसमें से रोशनी बाहर आ रही है, इट इज ग्लोइंग। क्यों? तो एक वायर तो डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा है, राइट? और दूसरा वायर देखो, ये इस इलेक्ट्रोड में गया। टर्मिनोलॉजी नोट करी जाओ, कौन कौन से वर्ड बोल रहे हैं टीचर? इलेक्ट्रोड। और यहां पर टीचर ने कंटेनर में क्या डाल रखा है? वाटर। और वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड में, हालांकि देखने में ऐसे लगते हैं इलेक्ट्रोड दूर दूर है, पर करंट पानी के थ्रू आ जाएगा, फिर ये दूसरे इलेक्ट्रोड में से करंट निकलेगा और ये सर्किट क्लोज हो गया, इसलिए बल्ब ग्लो कर पाया। तो सेकंड लर्निंग पॉइंट लिखो बेटे, सेकंड लर्निंग पॉइंट LP2। सभी बच्चे लिखेंगे, वाटर इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ बच्चे नहीं लिख रहे, वेरी बैड, एबल के स्टूडेंट नहीं लिख रहे। वाटर इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज करंट कैन फ्लो थ्रू इट। बिकॉज करंट कैन फ्लो थ्रू इट। अब हम देखते हैं अगली स्लाइड में क्या देखते हैं। एक क्वेश्चन आ गया बच्चे हमारे पास, क्या है? व्हाई डज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो डजेंट फ्लो इन एन ओपन सर्किट? ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट,
ओपन सर्किट में क्यों नहीं फ्लो करता? विच ऑप्शन इज करेक्ट? शाबाश अर्जुना के स्टूडेंट, लास्ट वाला बच्चा आ जाए। शाबाश, ला कम ऑन कम ऑन, वेरी कॉन्फिडेंट। लेट मी सी व्हाट इज योर आंसर, विच ऑप्शन? सी ऑप्शन। स्टूडेंट सेज एयर प्रेजेंट इन द गैप इज एन इंसुलेटर एंड प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्लोइंग। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। सो इसलिए सभी बच्चे लर्निंग पॉइंट 3 लिखेंगे, लर्निंग पॉइंट 3। शाबाश, राइट डाउन एवरीबॉडी। बिकॉज एयर इज एन इंसुलेटर, बिकॉज एयर इज एन इंसुलेटर कॉमा इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू एयर, इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू एयर। बिकॉज एयर इज एन इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू एयर। इफ इफ लिखना साथ में, इफ पोटेंशियल डिफरेंस, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एयर इज नॉट वेरी वेरी हाई, इज नॉट वेरी वेरी हाई। अब कोई बच्चा पूछेगा, सर इसका क्या मतलब है जो लास्ट में आपने लिखा है? बेटे अगर हम बहुत बड़ी बैटरी लगा देंगे ना, बहुत बड़ी बैटरी, और वहां से दो तारे लगा के बिल्कुल पास पास कर देंगे तारे, तो हवा में वैसे भी करंट निकल पाता है। फिर अगर बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी लगा दें, जानते हो इसका एग्जाम्पल क्या है बेटे? कई बार आपने देखा होगा खेतों के ऊपर से जो खेत होते हैं, जहां पर किसान अपना हल चलाते हैं, अपना फार्मिंग करते हैं, वहां अगर यहाँ नीचे खेत है तो ऊपर से एल्यूमिनियम की वायर्स जा रही होती हैं, इसको हम ओवरहेड केबल्स बोलते हैं, ओवरहेड केबल्स। अगर ये ढीली होकर सी बना दें और बारिश का मौसम हो, तो इस वायर से इस किसान को हवा में ही करंट लग जाता है, क्योंकि वायर्स जानते हो कितने वोल्टेज पर होती हैं? 10,000 वोल्ट पर, 10,000 वोल्ट पर, 10,000 वोल्ट पर ओवरहेड केबल्स होती है। इतने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पर हवा में से भी करंट आ जाता है और उस किसान की मौत हो जाती है। इसीलिए हमें समझाते हैं, जब भी हमने घर के लिए या फैक्ट्री के लिए या प्लॉट लेना हो, जमीन लेना हो, तो हमारे खेत के ऊपर से ओवरहेड केबल नहीं जानी चाहिए। जब भी कभी आपके पापा मम्मा कोई प्लॉट खरीदने लगे हैं, तो उनको बोलना है, आपने सजेशन देना है, पापा ऊपर से देख लो कहीं ओवरहेड केबल तो नहीं जा रही। समझ गए? अगर ओवरहेड केबल होती है तो इतनी ज्यादा वोल्टेज होती है तो हवा में से भी करंट आ जाता है। यहां तक समझ आया आपको? वेव योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। बेटे राइट हैंड वेव करना है, और जिन बच्चों का कोई भी हैंड वेव नहीं करता वो प्लीज क्लास से बाहर चले जाए। नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड, समझ आ गया तो राइट हैंड, समझ आ गया तो राइट हैंड वेव करो। ओके, थैंक यू, लेट्स प्रोसीड फर्दर। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स वर्क, कौन सा सर्किट काम करेगा बताओ मेरे को? ए वाला करेगा या बी वाला करेगा या सी वाला या डी वाला? ओके, मेरे को चाहिए एक बच्चा, हर्षिता। हु इज हर्षिता? प्लीज कम ऑन द माइक। हर्षिता प्लीज रिप्लाई बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स विल वर्क एंड व्हाई? बताओ बेटे, डी ओनली डी विल वर्क, कैन यू टेल मी व्हाई?
वाई ओनली डी विल वर्क? नहीं बता रहा। मैम बिकॉज सर्किट इज क्लोज्ड। यस यू शुड से सर सर्किट इज क्लोज्ड इन दिस केस ओनली। व्हाई? वेरी गुड। बैठो बच्चे बैठो। पॉजिटिव टर्मिनल से लोड तक कॉपर का वायर आ रहा है। ये वायर किस मटेरियल की बनी होती है बेटे? कॉपर। नेगेटिव टर्मिनल से सेल के वहां से भी वायर आ रहा है कॉपर का, और ये क्या है? सेल। लेकिन यहां क्यों नहीं ग्लो करेगा? सेल ही नहीं लगाया। यहां क्यों नहीं करेगा? सेल कराया, लेकिन यहां से ओपन सर्किट है। यहां क्यों नहीं ग्लो करेगा? क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से वायर लगाना ही भूल गया बल्ब से। दिस वायर इज मिसिंग। तो ये सर्किट भी ओपन हुआ, ये सर्किट भी ओपन हुआ। ओके, तो ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता, इसलिए सिर्फ और सिर्फ डी सर्किट ही वर्क कर रहा है। राइट? शाबाश। तो लिखो एक और लर्निंग पॉइंट लिखो। लर्निंग पॉइंट क्या है? कि ना केवल सर्किट क्लोज होना चाहिए, लोड भी होना चाहिए और करंट को प्रोवाइड करने वाला सेल भी होना चाहिए और सर्किट भी क्लोज होना चाहिए, तब जाके सर्किट ग्लो करते हैं। लिखो, फॉर ए सर्किट टू वर्क। शाबाश। नेक्स्ट लर्निंग पॉइंट, लर्निंग पॉइंट फोर बच्चे। फॉर ए सर्किट टू वर्क। शाबाश एवरीबॉडी। लिख नहीं रहे, सिक्स एबल के बच्चे नहीं लिख रहे बेटे। फॉर ए सर्किट टू वर्क, मैं बार करता हूं कुछ बच्चों को जो नहीं लिख रहे ना बेटे, मेरी क्लास से चले जाओ। फिर से बोल रहा हूं, फॉर ए सर्किट टू वर्क कॉमा सर्किट शुड बी क्लोज्ड कॉमा लोड शुड बी कनेक्टेड। LODE, लोड शुड बी कनेक्टेड एंड लोड शुड बी कनेक्टेड एंड सेल शुड बी कनेक्टेड। सर्किट शुड बी क्लोज्ड, लोड शुड बी कनेक्टेड, सेल शुड बी कनेक्टेड, तभी कोई सर्किट काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। यहां बी की बजाय डी लिखना चाहिए। बताओ बेटे, ए बी सी डी कौन से केस में बल्ब ग्लो करेगा? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। मेरे को आंसर चाहिए वानी। देयर इज अ स्टूडेंट वानी। शाबाश। है कोई वानी बच्चे क्लास? आ जाओ माइक पे आओ। माइक इट विल बी डी। एक बच्चा कह रहा है, वाणी कह रही है डी पे ग्लो करेगा। सिट डाउन, सिट डाउन। और कोई बच्चा बता सकता है? ये कह रही है डी पे ग्लो करेगा। शाबाश। आ जाओ माइक पे आओ। हाँ जी, सर नहीं सॉरी सी सर सी एक बच्चा बोल रहा है सी भी ग्लो करेगा। और कोई? सर एक बच्चा बोल रहा है बी भी ग्लो करेगा। इतने सारे ग्लो करेंगे क्या? ए भी करेगा या नहीं करेगा? आ जाओ ए ए के बारे में कौन बताएगा? प्लीज कम ऑन द माइक। आ जाओ बेटे, अर्जुनों में से। टी विल वर्क सर बिकॉज इन डी स्विच इज ऑल्सो देयर एंड वायर्स आर ऑल्सो कनेक्टेड फ्रॉम बोथ टर्मिनल्स सर बट इन सी रबर रबर थिंग इज यूज यानी रबर मटीरियल।
सर एंड रबर इज इंसुलेटर क्या बात है, बैठो बैठो। सर एंड इन बी स्ट्रिंग इज देयर स्ट्रिंग कैन नॉट पास करंट और ए के बारे में क्या है, सर इन ए नो स्विच इज देयर फिर क्या होगा स्विच ना हो सर तो? एंड इन ए बोथ आर कनेक्टेड फ्रॉम वन वन ओनली साइड बैठो, शाबाश। देखो बेटे, ए विल नॉट ग्लो, इसमें वर्क नहीं करेगा, बिकॉज दोनों की दोनों वायर सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए हैं, जबकि एक पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़नी चाहिए थी। तो बिकॉज बोथ वायर्स आर एट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल आर कनेक्टेड एट, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो ए तो फेल हो गया, बी भी फेल हो गया, क्योंकि बहुत से बच्चों ने देखा ही नहीं कि यहां पर उसने स्ट्रिंग लिख रखा है, स्ट्रिंग वायर नहीं है। तो जो कॉटन का स्ट्रिंग होता है उसमें तो करंट जा ही नहीं सकता, तो ये भी नहीं ग्लो कर सकता, बिकॉज कॉटन स्ट्रिंग इज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर है ये, कंडक्टर तो है नहीं। तीसरे वाले में देखो, यहां पर उसने रबड़ लगा दिया, ये भी ग्लो नहीं करेगा, बिकॉज रबड़ इज एन, बोलो क्या, इंसुलेटर। तो जो बच्चे बी और सी को कह रहे थे काम करेगा, उनका ऑब्जर्वेशन पुअर है, आपने पेपर में फिगर को ध्यान से देखना है। इसमें देखो, इधर भी वायर, इधर भी वायर, स्विच भी ऑन है, और एक वायर नेगेटिव टर्मिनल पर लगी है और दूसरी वायर पॉजिटिव टर्मिनल पर लगी है, इसमें सब कुछ ओके है, दिस विल वर्क, ओके, ओनली डी विल वर्क, हैव यू अंडरस्टूड? इफ यस, वेव योर राइट हैंड। ओके बेटे, लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये क्या आ गया बेटे, बता सकते हो? ये हमें बैटरी के बारे में बता रहा है। देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ा है, फिर ये वायर्स निकली हैं। देखो, रेड वायर पॉजिटिव से आ रही है, ब्लैक वायर नेगेटिव से आ रही है, बल्ब जुड़ रहे हैं, ऑन ऑफ स्विच ऑन कर रखा है, और ये बल्ब ग्लो कर रहा है, राइट? तो असलियत में टीचर क्या बता रहा है कि जब सेलों को सीरीज में जोड़ दें, देखो ऐसे, ये एक सेल है, ये उसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और दूसरा सेल भी लगा दिया इसके साथ, टचिंग करता हो, बिल्कुल टच करता हो, ये देखो पॉजिटिव और नेगेटिव इसका टच हो गया, फिर एक और सेल लगा दो, जितने मर्जी लगा दो, लेकिन इस तरह से लगे हुए सेल्स, सीरीज में लगे हुए सेल्स को बैटरी बोलते हैं। ये देखो काफी सारे दिखा रखे हैं इधर, बहुत सारे ऐसे ऐसे सेल्स लगे हैं, उसके ऊपर फिर ये सर्किट लगा हुआ है, इस सर्किट को पीसीबी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसके ऊपर ये ब्लैक कलर के आईसी लगे होते हैं, आईसी, आईसी का मतलब होता है इंटेग्रेटेड सर्किट, लिख लो इसका फुल फॉर्म, शाबाश एवरीबॉडी, आईसी मीन्स इंटेग्रेटेड सर्किट, इंटेग्रेटेड सर्किट एवरीबॉडी, पीसीबी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है पेपर से, पेपर में, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ओके। सभी बच्चे बैटरी की डेफिनेशन लिखेंगे, लर्निंग पॉइंट फाइव, लर्निंग पॉइंट फाइव लिखा रखा है, लिखाने लगा टीचर, ये फोटो बना दो पहले, तो ये देखो सेल सेल सेल, और इस पूरे को क्या बोलेंगे, बैटरी, पूरे को बैटरी बोलेंगे, फिगर बना दो सभी बच्चे, शाबाश। अब यहां पर मैं टीचर वर्डिंग लिखाने लगा हूं, ध्यान से लिखो, बैटरी इज ए
एवरीबॉडी, बैटरी इज ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. बैटरी इज ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. दूसरा पॉइंट लिखो, एक पॉइंट और लिखो, एक पॉइंट और लिखो बेटे, शाबाश. इफ ए सेल और बैटरी इज कनेक्टेड इन ए क्लोज्ड सर्किट, एवरीबॉडी, इफ ए सेल और बैटरी इज कनेक्टेड इन ए क्लोज्ड सर्किट, कॉमा कॉमा करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट. देखो स्पेलिंग, करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट. अगर कोई सेल या बैटरी को क्लोज्ड सर्किट में लगा दें तो बैटरी या सेल से करंट खींचा जा सकता है. एक बार करंट खींच लिया तो हमारा जो बल्ब है यानी कि लोड है वो काम करना शुरू कर देगा. जो भी चीज बिजली की खपत करती है, कंज्यूम करती है, उसको लोड बोलते हैं. जैसे फ्रिज, टेलीविजन, ट्यूबलाइट, लैपटॉप, सारी चीजें जो बिजली की खपत करती हैं उनको लोड बोलते हैं, सिंगल वर्ड. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर. ये देखो क्या है, क्या दिखाया बेटे आपको, ये देखो, ये सेल दिखाया हुआ बच्चे हमारे पास. ये सेल के ऊपर जो कैप बनी होती है, कैप ऑफ सेल, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल की बात काम करती है, ये कैप किसकी बनी होती है पता है आपको, एनीबॉडी? शाबाश, आ जाओ एबल में एक गुड़िया. हाँ यस यस, कम ऑन कम ऑन, माइक पे आओ और बताओ. ऑफ विच मटेरियल इट इज मेड अप ऑफ? मैटर हाँ जी मैटर बेटे, ये ब्रास की बनी होती है. ब्रास एक अलॉय है, इसकी खास बात क्या है, इसके ऊपर एनवायरनमेंट अपना असर नहीं कर पाता, पोल्यूशन का कम से कम असर हो पाता है, और एनवायरनमेंट में जो गैसेस है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उसका कम से कम असर होता है, लंबे टाइम तक ये खराब नहीं होता. ये एक अलॉय है. अलॉय का क्या मतलब होता है, जो काफी सारी मेटलों को एक पर्टिकुलर अनुपात में, रेशो में मिक्स करके बनता है. ये कुदरत से हमें डायरेक्ट नहीं मिलता, इसको साइंटिस्ट लोग बनाते हैं. मेटल्स को गर्म करके, पिघला के, उनकी पर्टिकुलर मात्रा को आप आपस में मिक्स करके घोल देते हैं. ओके, अब कोई बच्चा बताएगा बैटरी के अंदर ये क्या दिखा रखा है. ये आउट, ये देखो बाहर से ऐसे दिखता है, ये इनसाइड व्यू है. इसको, हाँ जी बेटे, शाबाश. माइक पे सर, आ, हाँ बोलो बोलो, दिस इज कार्बन। शाबाश. कार्बन, और भी अच्छा होएगा ग्रेफाइट बोलो अगर. कार्बन की भी सब फॉर्म कार्बन रोड बोलोगे आप, ठीक है, शाबाश. आपको पता है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सेल में, टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, जो बच्चा इसका जवाब देगा ना वो क्लास में बेस्ट है. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेल ऑफ सॉरी टर्मिनल्स ऑफ द सेल। हाँ जी बोलो। पोटेंशियल नहीं, वो तो ठीक है बेटे, मैंने तो डिफरेंस पूछे, डिफरेंस। तो सभी बच्चे इसको याद रखेंगे, एवरीबॉडी। कोई नहीं बता पाया इसका आंसर। ऑलवेज रिमेंबर इट इज 1.5 वोल्ट। लिख लो सारे बच्चे। लर्निंग पॉइंट हो गया ये, लर्निंग पॉइंट 7, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, एवरीबॉडी प्लीज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ ए ड्राई सेल। इज 1.5 वोल्ट। कोई बच्चा बता सकता है बेटे? एक हमारे पास पतले वाला सेल मिलता है मार्केट में, जो हम टॉर्च में डालते हैं। एक मोटे वाला सेल भी मिलता है, मोटे वाला सेल भी मिलता है। इन दोनों में क्या फर्क होता है? क्या इनके पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क होता है या कुछ और? माइक पे कौन बताएगा इसको? देखो तुक्का नहीं लगाना, अंदाजा नहीं लगाना। इफ यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट देन ओनली प्लीज कम ऑन द माइक। तो जैसे टीचर ने बोला, हाँ एक बच्चा आ रहा है, बेलो आ जाओ बेटे अर्जुना मिस। आई हैव अ डाउट अब बोलो व्हाट इज योर डाउट। सर, व्हाट इज ए पोटेंशियल डेट, व्हाट 1.5 पोटेंशियल? हाँ बोलो। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है सर पोटेंशियल होता क्या है, ये मैं बताता हूं, अभी बताता हूं। बैठ जाओ बैठ जाओ। तो पहले इस क्वेश्चन का जवाब देता हूं जो मैंने पूछा था। योर अटेंशन बेटा, दोनों सेलों का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट ही होता है, लेकिन बड़े वाले सेल के पास ज्यादा टाइम के लिए करंट देने की कैपेसिटी होती है। आप कह सकते हो कि जो बड़े वाला सेल है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है और इसलिए वो ज्यादा देर तक करंट दे सकता है। लिख लो सभी बच्चे, लिखो लर्निंग पॉइंट। लार्जर ड्राई सेल, शाबाश, लार्जर ड्राई सेल हैज हायर स्टोरेज कैपेसिटी। लार्जर ड्राई सेल हैज हायर स्टोरेज कैपेसिटी, इट कैन गिव द करंट टू द लोड, इट कैन गिव द करंट टू द लोड। आई रिपीट, लार्जर ड्राई सेल हैज हायर स्टोरेज कैपेसिटी, इट कैन गिव द करंट टू द लोड फॉर लार्जर टाइम। इट कैन गिव द करंट टू द लोड फॉर लार्जर टाइम। कुछ बच्चे लिख नहीं रहे, सोच रहे हैं शायद किताबों में से मिल जाएगा। 15 किताबें खोल लेना, 15 एट ए टाइम, 15 अलग अलग पब्लिशर्स की बुक्स खोल लेना, फिर भी नहीं मिलेंगे ये पॉइंट। ठीक है, इसलिए लिख लो, गोल्डन चांस। सर अब मैं उस बच्चे का आंसर देता हूं जिसने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था। हाँ जी बेटे, एक बच्चा कुछ और पूछ रहा है। ग्रेफाइट Who said you graphite is an insulator? Who said you? No, रेक्टिफाई दोबारा से पढ़ो। अगर हम जो आप जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल बेटे, उसके अंदर जो लेड होता है वो भी ग्रेफाइट का होता है। अगर आप उसके दोनों किनारों पर
वायर लगा दो, फिर यहां बल्ब लगा दो, फिर सेल लगा के जोड़ दो तो वो जलता है। ग्रेफाइट उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता जितनी अच्छी मेटल्स होती हैं, पर फिर भी होता है कंडक्टर। ओके, तो ध्यान से पढ़ो। अब मेरे से एक बच्चे ने पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग पूछा, जिसका यूनिट है वोल्ट। ध्यान से सुनना। मान लो आपकी क्लास के एक बच्चे की एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक गुड़िया है गणिका, मान लो गणिका है और वो अपने घर में बैठ के पढ़ रही थी। अचानक एक दिन उसके मामा जी घर में आते हैं और गणिका को पढ़ते हुए बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। वो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि गणिका कितने लगन से पढ़ रही है। फिर वो उससे पूछते हैं भी, मैं इसको चेक करके देखूं क्या इसको कुछ आता भी है। उन्होंने गणिका की बुक उठाई, एक दो क्वेश्चन पूछे और गणिका ने जवाब दे दिया। अब उसको बोलते हैं शाबाश शाबाश, उसको चॉकलेट दिया इनाम से और इनाम के रूप में, और उन अपना उसके मम्मा पापा से बातें करने लगे ड्राइंग रूम में। तब वो उसके मम्मा पापा को क्या बोलेंगे, उस गणिका के मामा जी? वो ऐसे बोलेंगे, ध्यान से सुनना, गणिका में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, इसको अच्छे से पढ़ाना, ये आईएएस ऑफिसर बन सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकती है, शी हैज ए वेरी गुड पोटेंशियल। समझ आ गया पोटेंशियल? अब इधर आ जाओ, जब हम बोलते हैं किसी सेल के पास पोटेंशियल है, तो इसी का मतलब होता है उस सेल के अंदर ये काबिलियत है कि वो वायर के थ्रू लोड को करंट दे सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि दोनों टर्मिनल्स मिलके हमें ये बोल रहे हैं कि सेल के अंदर ये काबिलियत है, ये अबिलिटी है, ये हुनर है कि अगर आप इसके साथ लोड लगाओगे, यानी कि बल्ब कनेक्ट करोगे वायर्स के साथ, तब वो बल्ब को करंट देने की शक्ति रखती है। ये मतलब होता है पोटेंशियल का, मीनिंग होता है अबिलिटी। इज दैट क्लियर? एक टर्मिनल करंट देने की एबिलिटी रखता है और नेगेटिव टर्मिनल में करंट जाता है, दूसरा टर्मिनल करंट लेने की एबिलिटी रखता है। इज दैट क्लियर, यस और नो? स्मॉलर एंड लार्जर सेल में वो 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हाँ, ये इतना ही होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें भी 1.5 वोल्ट होता है, इसमें भी 1.5 वोल्ट होता है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी यहां पर लिखी होती है, छोटी सी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है वो करंट को देने के लिए टाइम ज्यादा देर तक टाइम दे सकती है। यानी इसके साथ अगर बल्ब लगाएंगे ना बड़े वाले के साथ, वो ज्यादा घंटों के लिए जलता रहेगा। छोटे वाले सेल के साथ अगर बल्ब लगाएंगे, सेम बल्ब, वो कम टाइम के लिए जगेगा। तो उसको हम टेक्निकल वर्ड क्या है उसके लिए, स्टोरेज कैपेसिटी। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। यहां तक समझ आया? प्लीज वेव योर राइट हैंड, प्लीज वेव योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू, थैंक यू। ये देखो, ये बल्ब के बारे में अगर मैंने ड्रा करना हो, बल्ब सभी बच्चे खुद भी ड्रा करें मेरे साथ साथ, सभी बच्चे ये बल्ब की बेस कैप होती है। कोई बच्चा बताएगा ये बेस कैप कौन से मटेरियल की होती है? बेस कैप ऑफ बल्ब कौन से मटेरियल की होती है? एनीबॉडी? और ये बल्ब का एनवेल्प किस मटेरियल का होता है? इसका मटेरियल क्या होता है? सर, इट इज मेड ऑफ एनी मेटल, आई थिंक सो। डाउन साइड दैट कैप इज मेड ऑफ एनी दैट लो मेल्टिंग पॉइंट दिस इज मेड अप ऑफ मेटल। एल्यूमिनियम मेटल। ओके, और एक वायर हम यहां कनेक्ट करते हैं
और एक वायर हम यहां कनेक्ट करते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि दोनों एल्युमिनियम के साथ जुड़ रही हैं, एक अंदर जाती है डायरेक्ट और यहां कर ऐसे आकर एक ये चीज लगी होती है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? एनीबॉडी? सर फिलामेंट। शाबाश, फिलामेंट. कौन से मटेरियल का बना होता है? वेरी सर टंगस्टन। गुड, टंगस्टन. और इसके अंदर एक गैस भरी होती है ताकि ये कांच ज्यादा गर्म ना हो. सर इनर्ट गैसेस। सर कार्बन एंड आर्गन। कार्बन ना एंड ना आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन। ना ना ना, इनर्ट गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती. और या तो ये हम इसमें हीलियम गैस भर देते हैं, या कभी कभी, चलो हीलियम ही लिख लो बस. कोई भी इनर्ट गैस से होती है जो रिएक्ट नहीं करती. एक्सक्यूज मी मैम। सर हाँ सर इनर्ट गैसेस आर आर्गन एंड नाइट्रोजन। हाँ वो भी भर सकते, आर्गन भी होती है. हीलियम थोड़ी महंगी पड़ती है, आर्गन भी भर सकते हैं. लेकिन नाइट्रोजन इनर्ट गैस नहीं होती, पर नाइट्रोजन को भी भरा जा सकता है बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव. पर ज्यादा अच्छा होता है आर्गन गैस भर दो, क्योंकि ये इनर्ट गैस भी होती है, नॉन रिएक्टिव, और ऊपर से सस्ती भी पड़ती है. आर्गन गैस भरना सबसे ज्यादा अच्छा है. इस तरह से जब हम इसके पास सेल बैटरी लगाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, छोटी वाली डंडी नेगेटिव होती है, और इधर जोड़ देंगे तो ये बल्ब ग्लो करना शुरू करेगा. गॉट इट? तो आपको पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, ड्रा द डायग्राम ऑफ द बल्ब. बेटे ऑरा क्लास में बच्चे इधर उधर मूव करी जा रहे हैं. Why are you roaming here and there? Aura. Aura क्लास में बच्चे बैठ जाएं. तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है. ये देखो, अब इसमें आपको कह रहे हैं पेपर में आपको टॉर्च का डायग्राम बनाना भी आ सकता है. टॉर्च का डायग्राम कैसे बनाओगे आप? तीन सेल ले लेना सीरीज में. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी. सभी बच्चे बना लो. फिर इस पॉजिटिव टर्मिनल से इस बल्ब को आप कनेक्शन दे दोगे, छोटे से बल्ब को. फिर इसके नेगेटिव टर्मिनल से भी ऑन ऑफ स्विच के थ्रू, ये ऑन ऑफ स्विच होता है, यहां से भी सेल को आप कनेक्शन दे दोगे बैटरी के. फिर आप इसको प्लास्टिक के कैबिनेट में बंद कर दोगे, प्लास्टिक के कैबिनेट में बंद कर दोगे, और बल्ब को कोई नुकसान ना हो इसलिए हम इसके ऊपर प्रोटेक्टिव ग्लास लगा देंगे. सभी बच्चे नोट कर लो, शाबाश. इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिक कैबिनेट. शाबाश. इस इनको क्या बोलेंगे? सेल सेल सेल. इसको क्या बोलेंगे? ऑन ऑफ स्विच. इसको क्या बोलेंगे? बल्ब. इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव ग्लास. ये भी आपके सिलेबस में है बेटे, फिर ना कहना अगर ड्रा नहीं करा तो. पेपर में पूछा जा सकता है, जल्दी से बना लो. और ये बल्ब से सामने तो लाइट जाएगी ही जाएगी, लेकिन अगर लाइट पीछे को आएगी
तो यहां पर हमने सिल्वर पॉलिश करा होता है, और सिल्वर पॉलिश मिरर की तरह काम करता है, इससे लाइट टकरा के वो भी आगे आ जाती है। तो आप कहोगे यहां पर क्या कर रखा है, सिल्वर पॉलिश करा होता है ताकि वो लाइट को पीछे को आने ही ना दे। यहां पर भी लाइट इधर आएगी, टकरा के आगे जाएगी। ओके, सभी बच्चों ने ड्रा कर लिया या नहीं करा? हरी अप, तो करंट यस। ट्रांसफार्मर योर वॉइस इज नॉट क्लियर, कम टू द माइक एंड देन स्पीक। स्क्रीन की तरफ तो करंट योर वॉइस इज नॉट क्लियर, सॉरी। तो ये था हमारा टॉर्च के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, हमने यहां पर क्या करा हुआ है, सेल्स को कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, सेल्स कनेक्शन वेज। दो तरीके होते हैं बेटे, एक तो होता है ये वाला, देखो, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे अगर होएगा इसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। ओके, पर अगर सभी सेलों के पॉजिटिव को उठा के एक वायर से जोड़ दें और सभी सेलों के नेगेटिव को उठा के एक वायर से जोड़ दें तो इसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। तो लिख लो सभी बच्चे, लर्निंग पॉइंट, लर्निंग पॉइंट लिखोगे सभी बच्चे, शाबाश। सेल्स कैन बी कनेक्टेड इन टू वेज, आई रिपीट, सेल्स कैन बी कनेक्टेड इन टू वेज। जो बच्चे नहीं लिख रहे वो चले जाएं क्लास से, बाहर चले जाएं। सेल्स कैन बी कनेक्टेड इन टू वेज। नंबर वन, सीरीज कनेक्टेड सेल्स। नंबर टू, पैरेलल कनेक्टेड सेल्स। सीरीज कनेक्टेड सेल्स, पैरेलल कनेक्टेड सेल्स। लेकिन एक बात याद रखना सभी बच्चों ने, कि बैटरी सिर्फ सीरीज कनेक्शन को ही बोलते हैं, इन चारों के कॉम्बिनेशन को बैटरी कह सकते हैं। इधर आपको बैटरी नहीं बोलना, दिस इज नॉट ए बैटरी। बैटरी तभी बोलना है जब सेल्स को सीरीज में जोड़ा जाए। ओके, पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में बैटरी नहीं बोल सकते। और बच्चा पूछेगा, सर फिर ये यूज कहाँ करते हैं? इसकी कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, राइट? शाबाश बेटे, आपको ये दोनों समझ आए हैं? प्लीज वेव योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। एक बच्चे का कोई हाथ नहीं हिल रहा, इसका मतलब है, चलो गुड, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ही रह गया, शाबाश। ये देखो, एक और सर्किट आ गया। इसमें मैंने क्या दिखाया, एक ही सेल के साथ तीन तीन बल्ब लगा रखे हैं। बल्ब वन वायर आगे ले गए, बल्ब टू वायर आगे ले गए, बल्ब थ्री, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ लोड, सीरीज कनेक्शन ऑफ, इसमें सेल नहीं बोलना, सीरीज कनेक्टेड लोड्स, क्योंकि यहां पर बल्ब लाइट को कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम करने वाली चीज को लोड बोलते हैं। इधर देखो, एक ही सेल के साथ तीन तीन बल्ब लगा रखे हैं, इसका भी पॉजिटिव बैटरी तक जा रहा है, नेगेटिव भी बैटरी तक, और बल्ब ए का भी जा रहा है, बल्ब बी का भी जा रहा है, बल्ब सी का भी जा रहा है। ये वाले क्या है, पैरेलल कनेक्टेड लोड्स। क्या है बेटे, पैरेलल कनेक्टेड
लॉर्ड्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि टीचर ने ये क्यों दिखाया आपको? इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, और कुछ बच्चे पीछे मुड़ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर सीइंग बैक साइड। एबल में गर्ल्स पीछे देख रही हैं बेटे, प्लीज लुक फॉरवर्ड, अदरवाइज यू कैन गो। तो इसमें रीजन यह है बेटे, ध्यान से सुनो। हमारे जो घरों में, होम्स में डोमेस्टिक वायरिंग होती है, डोमेस्टिक वायरिंग वो पैरेलल में होती है बेटे, सीरीज में नहीं होती। अब इसका रीजन सुनो। मान लो ये बल्ब फ्यूज हो गया, अगर ये बल्ब फ्यूज हो गया तो यहां से सर्किट ओपन हो गया, सर्किट ओपन हो गया तो करंट जाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब तीनों बल्ब ग्लो होने बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर पैरेलल में लगे हों, मान लो यहां से ये वायर खराब हो गया, ये बल्ब खराब हो गया, यहां से ओपन सर्किट हो गया, तो यही बल्ब ऑफ होएगा, पर बाकी दोनों बल्ब देखो इधर से बिल्कुल क्लोज्ड सर्किट है। बाकी बल्ब बी भी ग्लो करता रहेगा, सी भी ग्लो करता रहेगा, क्योंकि उनको तो सेल से बिजली की सप्लाई मिल रही है। ओके, तो सभी बच्चे लिखेंगे लर्निंग पॉइंट, लर्निंग पॉइंट, शाबाश। इन अवर होम्स, राइट डाउन, इन अवर होम्स लोड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इन अवर होम्स लोड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इन अवर होम्स लोड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये हमारे घरों में लिखते, देखो, कॉमनली यूज्ड इन होम्स, ये नॉट कॉमनली यूज्ड। इसका फायदा क्या है? एक बल्ब के फ्यूज होने से वही ऑफ होएगा, बाकी जगते रहेंगे। इसका नुकसान क्या है? एक बल्ब के फ्यूज होने से ये भी नहीं ग्लो करेगा, ये भी नहीं ग्लो करेगा, क्योंकि करंट का रास्ता ही बंद हो जाएगा, राइट? एक आधी फोटो और है, मैं छोड़ने वाला हूं, डोंट वरी। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, रीड डाउन, रीड दी क्वेश्चन। इनमें से वो उसने पहले ही बता दिया कि एक बल्ब को ग्लो करने के लिए एक सेल चाहिए, तब वो पूरा ग्लो करता है नॉर्मल ब्राइटनेस पर। सर, एक बल्ब को ग्लो करने के लिए, एक बल्ब को ग्लो करने के लिए एक ही सेल चाहिए। अब ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इनमें से कौन सा सर्किट ऐसा सर है जिसमें बल्ब डिम ग्लो करेगा? डी सर डी डी ऑप्शन कह रहा है। डी जो बच्चे डी कह रहे हैं रेज योर हैंड। डी ऑप्शन। ये स्पेक्स वाला बच्चा क्यों खड़ा है भाई एबल में? मैं इसका नाम नोट करता हूं, इस बच्चे का। ये दो बच्चे स्पेक्स वाले खड़े हैं ना, मैं इनका फोटो ले रहा हूं बेटे। मैं आई विल कंप्लेन टू द प्रिंसिपल। स्पेक्स वाले बच्चे सिट डाउन एबल में, आई एम टेकिंग योर फोटोग्राफ एंड विल कंप्लेन टू द प्रिंसिपल। मैंने ले लिया फोटो, रिमेंबर इट। तो डी वाले में हमने क्या देखा? एक सेल से दो दो बल्ब कनेक्टेड हैं, जबकि एक बल्ब को ग्लो करने के लिए एक ही सेल चाहिए, इसलिए यहां पर डिम जलेंगे, डिम। बिल्कुल सही। ओके, देखते हैं कोई फोटो बची है या नहीं बची, शायद ही कोई फोटो बची हो। ये देखो फ्यूज है बेटे, फ्यूज। आपका टाइम हो गया है क्या? कोई बच्चा माइक पे आकर बताओ।
टाइम हो चुका है क्या? यस तो फ्यूज के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे, क्लियर है? आज का लेक्चर अगर समझ आया प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स। आज का लेक्चर, थैंक यू सो स्वीट। और मैं कि उस बच्चे को बोलना मैं उसकी कंप्लेंट नहीं करूंगा, लेकिन अगर अच्छे से बैठेगा तो। आज के लिए हम वाइंड अप करते हैं। सभी बच्चे जा सकते हैं।